वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफद के हमरा उमरा अदा कर लिया, खाना काबा का तवाफ किया और उमरे के दीगर अरकान की अदायगी की। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए गए, बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए, वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारतें खास करवाई गई। वफाकी काबीना के अराकीन और वज़ीर-ए-आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आपको बताएँ कि वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफद के हमरा उमरा अदा कर लिया है, खाना काबा का तवाफ किया और उमरा के दीगर अरकान की अदायगी की। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए गए, बैतुल्ला के दरवाज़े खोलकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत ख़ास करवाई गई है। वफाकी काबीना के अराकीन और वज़ीर-ए-आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। एहतशाम यूसुफ से मज़ीद जानेंगे। जी एहतशाम। जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने मक्का मुकर्रमा में उमरा की अदायगी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा का तवाफ भी किया और उमरा के दीगर अरकान काबीना के दीगर अरकान के साथ जो है वो अपना उमरा अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए, जबकि बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत खास भी इस मौका पर करवाई गई है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की जो यकजहती है उसके लिए खुसूसी दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन आश्ती के लिए भी दुआ की है और वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर के मुसलमानों, खुसूसन फलस्तीन और जम्मू कश्मीर के जो मजलूम मुसलमान हैं उनके हक में भी खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर जो वफाकी काबीना के अराकीन थे और वज़ीर-ए-आला पंजाब मजीद नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम।